अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी, मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास कार्यक्रम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ है आचार्य श्री, जो बताएंगे कैसे आप घर पर ही अपनी कुछ देसी चीजों की इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार। स्वास्थ्य के कुछ सूत्र आज आपसे साझा करता हूँ, जो अभी के समय में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे। तो सबसे पहले आइए बताता हूँ मैं आपको कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप खाएं, कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आप खाएं जो आपको स्वस्थ रखें, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें और आप इस महामारी से बचें। केवल जीवाणु और विषाणु ही नहीं, बल्कि ये आपको तमाम आघातों से बचाता है जो इस प्रकार के इन्फेक्शन, वायरल तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक, तो इस क्रम में सबसे पहला जो खाद्य पदार्थ है वो है अदरक। अदरक आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी काफी मदद करता है। खाने की सही विधि आप समझ लें क्या करना है आपको। लगभग आधी इंच का टुकड़ा यानी कि एक मटर के बराबर आपको ब्रश करने के बाद उसे थोड़ा सा छिल करके और धो करके और चबाना है, गर्म पानी पर ले लेना है। आवश्यक लगे तो, जो कि थोड़ा सा कड़वा लगता है तो आप देख, अन्यथा आप उसे क्रश करके एक ग्लास पानी में उबालें। उबाल करके पानी जब आधा ग्लास बच जाए, ठीक है, तो फिर आप उसे छान करके पी लें। ये पहला। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वो है काले मिर्च। 3 से 5 काले मिर्च के दाने आपको प्रतिदिन चबा करके उपयोग में लेना है, खाना है उसे। यदि किसी प्रकार के स्किन डिजीजेस होती हैं आपको या है, ऑफ कोर्स नो डाउट आपको इम्यूनिटी के लिए तो ये हेल्पफुल है ही है, लेकिन यदि स्किन डिजीजेस भी है और इस तरह की कोई समस्या है तो उसे आपको काफी मदद करेगा। ठीक, 15 से 21 दिन आप इसका सेवन करें, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, साथ साथ स्किन डिजीजेस से बचाएगा। अब इस क्रम में मैं आपको एक काढ़े का सूत्र बताता हूँ, ये बहुत इसेंशियल है, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, लगभग 300 से 500 ml पानी यानी कि 1 पाव से 1/2 लीटर पानी लेना है आपको, और उसमें लगभग 50 ग्राम गुड़ लेना है, 10 से 11 तुलसी की पत्तियां लेनी है। ठीक है, और छोटा टुकड़ा लगभग 1 से 1.5 इंच का क्रश किया हुआ अदरक का लेना है, 10 से 11 काली मिर्च के दानों को ऐसे थोड़ा कूट करके और उसमें मिलाना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा अजवाइन और बहुत थोड़ी सी मात्रा सौंफ के मिलाना। अब इनको जो है इस पूरे अवयव को, इन सभी सामग्री को उबलने देना है। ठीक है, आपको इसे कम से कम जब ये आधा हो जाए तब तक उबलने देना है। उसके बाद फिर बंद करके, उबलने की प्रक्रिया को बंद करके फिर इसे आप छान लेंगे। ठीक है, बच्चे हैं तो आप छान कर दे सकते हैं, बड़े लोग बिना छाने भी इसका उपयोग कर सकते हैं चाहे। ठीक है, ये काढ़ा आपके दैनिक जीवन में काफी लाभ देने वाला है। आपको केवल इम्यूनिटी ही बूस्ट नहीं करेगा बल्कि आपको तमाम तरह के रोगों से बचाएगा और आपके शरीर को स्फूर्ति से भर देगा, काफी ऊर्जा देगा, थकान मिटाएगा आपकी, रक्त परिसंचरण को ठीक करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में ठीक करेगा, नॉर्मल फैटी, थकान, इन सब को दूर करेगा, अनिद्रा को दूर करेगा। आपको इसका सेवन या तो सुबह करना चाहिए या फिर बेड टाइम, ठीक, सोने से ठीक पहले। अब आता हूं उन 2 प्राणायामों पर जिनके मैंने बात की, मैं विधि बता देता हूं। पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक, आपको उसके लिए क्या करना है, बाएं हथेली में चिन्ह मुद्रा इस तरह से और दाएं हथेली में विष्णु मुद्रा अथवा प्रणव मुद्रा अथवा नासिका मुद्रा कहते हैं इस प्रकार से। पहले लंबी गहरी श्वास आपको अंदर करनी है, उसके बाद दाई नासिका से
दाएं नासिका को ऐसे अंगूठे से बंद कर ले, बाएं से श्वास को धीरे धीरे खाली करें। श्वास अंदर भर लिया हमने और फिर धीरे धीरे दाएं से खाली करें। ये हमने एक राउंड पूरा किया। इस प्रकार से आपको कम से कम 27 राउंड्स करना है, 27 बार करना है इसका अभ्यास। तीन मुख्य बातें हैं इसमें। पहला, आपका कमर गर्दन बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है, कमर गर्दन एकदम सीधे रहेंगे और श्वास छोड़ने की गति लेने की गति से धीमी होती है, यानी कि लेने में 2 सेकंड का समय लग रहा है तो छोड़ने में कम से कम 4 से 6 सेकंड का समय लेना है। और तीसरा, श्वास पर जोर नहीं देना है, बिल्कुल सहज प्राकृतिक तरीके से लेना है, ठीक है। ये हो गया पहला अभ्यास प्राणायाम का। दूसरा प्राणायाम का अभ्यास है भ्रामरी का। बहुत ही सामान्य है, बहुत ही सरल है, इसका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का भी अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। मैं वही अभ्यास बता रहा हूं आपको जो सबके लिए सामान्य रूप से लागू होता है। सो भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास में आपको क्या करना है, 2 मुद्राएं धारण करनी है। पहली तो ये चिन्ह मुद्रा दोनों हथेलियों में इस तरह से और अपने घुटने पर रख लेंगे कलाई को। और दूसरी मुद्रा है खेचरी मुद्रा। जीवा के अग्रभाग यानी आपके जीव की सबसे अगला हिस्सा जो है वो ऊपर जाकर के तालू में टच करेगा और फिर आंखें बंद रहेंगी। लंबी गहरी श्वास के साथ भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे आप। लंबी गहरी श्वास भरें तौर पर छोटे छोटे 3 राउंड्स करके दिखा दिए आपको। अपनी पूरे श्वास तक जितने देर तक श्वास चले करते रहना है और इस प्रकार से कम 11 बार अथवा 27 बार इसका अभ्यास करना है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हरिओम, धन्यवाद, ओम जी।